हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। रासायनिक बलगतिकी से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां पर पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा बच्चों, आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा ताकि एग्जाम में आए तो बन जाए। अब आपको ध्यान में रखना है कि टू कॉपी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। हो सकता है यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए और हो सकता है टू कॉपी क्वेश्चन ना भी मिले, तो परेशान नहीं होना, टाइप में पूरा करा दूंगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल देके रखा है, तो समय पूछा है कि कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब आधा अभिक्रिया पूर्ण होने में 60 मिनट लगता है, तो कितना समय लगेगा 90% पूर्ण होने के लिए, या कि 100% पूछता तो 100% के लिए कर देते। तो यहाँ पे टाइप समझेंगे कि फार्मूला किस प्रकार प्रयोग करेंगे, बाकी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा एग्जाम में भी आप लोग यही स्ट्रेटजी अपनाइएगा। पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को दिया क्या है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, मतलब टी हाफ बराबर देके रखा बच्चों कितना 60 मिनट, कितना 60 मिनट देके रखा है। कितने समय में, मतलब यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है, पूरा टाइम निकालना है, अज्ञात है, ठीक है। कितने समय में ये 90% पूर्ण हो जाता है, तो आप लोग जैसे अर्धायु काल दिया है, तो चूंकि आपका अर्धायु काल का फार्मूला कितना होता है, 0.693 अपॉन k, ठीक है। यदि मैं इससे कह दूं कि k का मान निकालो, तो आप कहोगे सर 0.693 में t हाफ का क्या कर दें, भाग कर दें, तो k का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे 0.693 में आप लोग 60 का भाग दो, ठीक है। तो जब बच्चों देखिएगा, एक और जीरो का भाग देंगे, देखिए एक और जीरो का भाग देंगे, यहां पर थोड़ा समझना है, तो दशमलव एक अंक और पहले लग जाएगा। अब 6 का भाग देंगे, देखिए 0 दशमलव है तो दशमलव 0 है, 6 एक कम 6, 1 से जाएगा बचेगा 1, 6 दूनी 12 36 18, ठीक है, सॉरी यहां पे 6 कम 6 पूरा चला गया है ना, फिर 9 है तो 6 कम 6 से जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों मैं सोचा कि 5 से भाग कर रहा हूं, तो 6 एक कम 6 हो गया, 6 एक कम 6 हो गया, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 6 पंचा 30 हो जाएगा। भाई दशमलव के 2-3 अंक तक बहुत है, काफ़ी है। अब क्या पूछा है, कितने समय में मुझे पूरा टी का मान निकालना है, तो मुझे ये अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि के बराबर होता है 2.303 अपान ये आपका टी होता है, फिर लॉग, लॉग आप यहाँ पर चाहे ए मतलब ए नाट का मतलब हो जाता है प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कितना सांद्रण आपका ये बचा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो प्रारंभिक सांद्रण है और अभिक्रिया के बाद ये सांद्रण है, ठीक। तो यदि मैं आपको प्रारंभिक सांद्रण की बात करूं, तो प्रारंभिक सांद्रण कोई भी आपका 100% रहता है, कितना परसेंट, तब मैं आपसे कह दूंगा ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई आप जितना आपका प्रारंभ में 100 था, 100 में 90 कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका हो गया 10, कितना हो गया 10, सिंपल है। आप लोग कभी कभी ऐसा भी देखने को है ना मिल जाता है, देखिए 2.303 अपॉन टी, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपका ए लॉग और ए माइनस एक्स, यहाँ पर ए का मतलब है प्रारंभिक सांद्रण 100% और एक्स का मतलब है कितना कंप्लीट हो गया, तो 90 कंप्लीट हो गया, तो ए माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 90 10 बचा, ठीक है। इसलिए के बराबर देखिएगा, यहाँ पर आपका 2.303 है, वैसे इससे टी का मान निकाल सकता हूँ, सही है कि नहीं, टी का मान तो ठीक रहेगा, इसलिए आप कर लो टी बराबर, कितना टी बराबर 2.303 अपान के कर दोगे, बाकी इधर वही रहेगा, लॉग हो जाएगा ए नाट अपान ए, ठीक। वैल्यू पुट करो बच्चों, 0 यानी 2.303 है और के का मान आपका कितना निकल कर रहा है, 0.0115, फिर ये लॉग है ही है आपका, ऊपर 100 और नीचे 10, 0 से 0 कट गया, लॉग 10 बचेगा। वैसे दशमलव के बाद 3 अंक है, देखो दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ, दशमलव ऊपर भी हटा दिए नीचे भी हटा दिया, बस आप दशमलव हटाने का तरीका ये है कि नीचे यहाँ पे कितने अंक, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो ऊपर 4 अंक, 4 जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ाओ, ठीक है, ऊपर 4 जीरो नीचे 3 जीरो, ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर बचा लॉग 10, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, खत्म कहानी, मतलब 23 जीरो 3 और 1 जीरो और बढ़ गया,
इसमें 115 का भाग देंगे। लॉग 10 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर भी आपका बेस है, ये लॉग 10 ही रहता है हर जगह प्रथम कोटि में, तो इसका मान हो जाएगा 1। भाग दे दो भाई, तो 115 है यहाँ पे, तो 115 दूना 230 जा रहा है, फिर भाग न पहुँचे लब्ध है सुन, लगभग लगभग मतलब यहाँ पर तो एक अंक से और न जाएगा, फिर जाएगा, फिर दशमलव में जाएगा बच्चों, फिर दो से जाएगा, क्योंकि 3 से 300 हो जाएगा, तो ये आएगा लगभग, तो लगभग आपका 200 मिनट होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो यदि आप मान लीजिए दशमलव के बाद नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 200 मिनट यहाँ पर लिख देंगे लगभग। लगभग में क्या होता है, टीचर भी समझेगा, दशमलव में एक पॉइंट इधर उधर रहा होगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वैल्यू पुट करते बनना चाहिए, आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99%, चलो ठीक है, पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के दुगुना होता है, दोनों कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हल करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, पहले आप लोग इतना समझो कि के बराबर होता है 2.303/T, ये चीज क्लियर है। फिर लाग होता है आपका, ऊपर हो जाएगा ए नॉट, यानी प्रारंभिक सांद्रण, जैसे कोई 100% है, फिर 99% हुआ तो नीचे बचेगा 1%, फिर जैसे मान लीजिए 100% है और आपका जब 90%, तो दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन हम फर्स्ट लेके चलेंगे, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है जब अभिक्रिया कितना हो बच्चों, अभिक्रिया 99% पूर्ण हो, तो मतलब ए का जो प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का, तो 100% रहेगा। वह ए कितना रहेगा, जैसा हमने आपको इसके पहले बताया कि 100 में से 99 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए के बराबर देखिए 2.303 रहने दीजिए, और टी है ना बच्चों 99% मतलब 0.99, कहने का मतलब 0.99 का मतलब यदि 10 हो जाता तो 1 हो जाता, तो 0.99 टी आपको हम ऐसे मतलब 99% को ऐसा दर्शाएंगे। फिर लॉग हो जाएगा, यहाँ पर ए नॉट का मान कितना है, यहाँ पे 100 है स्टार्टिंग में, और जो ए है हमारा 1 बचा, इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 2.303। देखिए इसको ऐसा ही आगे लिख देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच्चों 2.303 और टी आपका 0.99 कर रहे हैं, ठीक है, लॉग 10 का स्क्वायर। अब लॉग एम का पावर एन होता है तो आपका सामने आता है, तो यहाँ पर 0.99 ये लॉग एम के पावर एन है ना, तो 2 सामने आ जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 का मान आपने 1 पढ़ा है, चूंकि लॉग 10 का मान कितना है 1, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 टी 0.99 है ना, और ये इसका मान 1 हो जाएगा गुणा 2, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4, 6, या कि ऐसे ही रहने दो क्योंकि सिद्ध भी करना है ना, दुगुना होता है, इतना ही रहने दो, समीकरण 1 दे दो। कंडीशन सेकंड जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो, जब अभिक्रिया कितना परसेंट हो, 90% पूर्ण हो, जब 90% पूर्ण के लिए पूछा जाएगा तो मतलब ए नॉट जो होगा वो तो 100 ही रहेगा, लेकिन ए बराबर कितना होगा सर, जो आपका 100 है 100 में 90 घटा दो तो आपका आ जाएगा 10, इसलिए के बराबर 2.303 टी 0.90 इस बार करेंगे, लॉग ए का मान हमारा 100 है और नीचे आपका 10, ये कट जाएगा बच्चों, लॉग 10 बचेगा, यानी 2.303 0.90 लॉग 10 इसका मान हो जाएगा 1, तो के बराबर आ जाएगा 2.303/T 0.90, इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 1 के बराबर यहाँ भी समीकरण 1 हुआ 2 से, देखो जरा यहाँ पर कितना है 2.303/T 0.99 इंटू 2 इक्वल 2.303/0.90, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पक्षांतर होगा बच्चों, ये इधर, तो आपका टी 0.99 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू
टी 0.90। यही हमें सिद्ध भी करना था कि 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है, ठीक है, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने लगे समय का दुगना होता है। यानी कोई भी अभिक्रिया है जब 99% हो रहा है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। यही तो सिद्ध करना था, क्वेश्चन भी तो यही बोला था ना, सिद्ध कीजिए कि दुगना है, तो सिद्ध हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, जो क्वेश्चन में बोला था वही चीज अपन ने कर लिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% वियोजित हो जाती, वही ना 100 में से 30%, मतलब बचा कितना 70, यही बच रहा है। 40 मिनट लगते हैं, टी हाफ की गणना करिए। चलिए हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सबको पता है, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए के बराबर कितना होता बच्चों, 2.303 अपान टी, ये आपका लॉग हो जाएगा। बाकी 30% के लिए हम 30% लिख सकते हैं, फिलहाल अभी इतना समझो, यहाँ पे हो जाता है आपका ए नाट अपान ए। ठीक, यहाँ पर आप देखो, चूंकि ए नाट कितना है, टी बराबर तो 40 मिनट देके रखा है, प्रारंभिक सांद्रण कोई पूछेगा तो आप कहोगे सर किसी का भी 100 रहता है, ए बराबर कितना होगा तो कहोगे सर 100 में से 30 वियोजित हो गया है, तो बचा कितना 70, कितना बचा 70। तो यहां पर रखते हैं के बराबर, टी हाफ निकालेंगे लेकिन के का मान निकल कर आएगा तब, 2.303 और टी का मान आपका 40, लॉग यहां पे आपका 100 हो जाएगा, नीचे 70 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2.303, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे बच्चों 7 का भाग देंगे, 7 एक कम 7, भाग न पहुँचे लब्ध शून्य, फिर 2 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21 लगभग। अब इसका मान, यदि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया तो लघुगणक की सारणी दी जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आपका लॉग मान दिया रहेगा, इसका मान है 0.1554। ठीक है, ये तो मुझे याद है क्योंकि हर वर्ष पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों से हो सकता है याद ना हो, बाकी ये मुझे याद भी है और हो सकता है आपसे भी याद हो जाए। अभी इसके पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया था ना, 115 था वहाँ पे, और यहाँ 155 है, तो थोड़ा सा याद रख लेना तो वैसे भी याद रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका जो मान है, इसका मान है रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना जानते हैं, 0.1554। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपका मान लीजिए 0 है, इसको हटाना चाहे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.2 यहाँ पे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा यहाँ 1554 बटा 4, 4 से भाग इसमें तो नहीं जा सकता, इसमें देखो 4 3 12, ठीक है, बचेगा कितना 3, 4 8 32, फिर 4 8 32, मतलब लगभग जो है इससे ही काटता हूँ। ठीक है, देखिए 4 3 12 बचेगा 3, तो 35 हो जाएगा, 4 9 36 तो 4 8 32, ठीक है, फिर आपका 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 8 32 4 5 20, ये लंबा चौड़ा आ रहा है, और ये लगभग कितना आएगा, ऐसे मैं दिमाग लगाता हूँ, देखिए 3 2 6 मतलब 7 के लगभग समथिंग आएगा, है ना, ये यदि मैं करूँगा 3 2 6 और हासिल भी आ सकता है, तो थोड़ा 6 7 8 ऐसे ही आएगा। तो एक लंबा चौड़ा गुणा करने के बाद बच्चों आता है 0.089471, आगे आता है कोई मतलब नहीं। अब देखो, मैं ये चाहता हूँ कि दशमलव एक अंक के बाद रहे, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दशमलव एक अंक के बाद ही लगाते, जैसे 8.94 कर दिया तो कितना दशमलव खिसकाया, 2 अंक दशमलव खिसका दिया, देख लो भला 2 अंक का दशमलव खिसकाया मैंने, 1 2, यहाँ पे पहली बात 2 अंक का दशमलव खिसका दिया, ठीक है, और 1 दशमलव हाई है, 1 दशमलव हाई है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 घाते आप -3 का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे गलतियाँ हैं, क्या गलती हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जब 4 का मैंने भाग दिया तो भाग न पहुँचे लब्ध सुन जाता है, तो 1 0 और लग जाएगा,
तो ये 10^-3 हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 अंक खिंचका है तभी यहाँ पे 10^-3 गुणा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी त्रुटि था। अब बच्चों मुझे क्या करना है, टी हाफ निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, टी हाफ। टी हाफ का मतलब ये, इसका मान होता है 0.693, थ्योरम आपने पढ़ा होगा के। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 0.693 डिवाइड बाय के का मान है 8.94 इंटू 10^-3। एक काम करो ना, ये जो -3 ऊपर ले जाओ, देखो दशमलव से दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ, 6, 9, 3 ऊपर कर दो और नीचे 8, 9, 4 कर दो, कुछ भी नहीं, 2 0 लगा दो ऊपर क्योंकि 2 अंक हैं, 3 0 लगा दो, 3 0 भाई यहाँ पे 3 अंक है, 3 0 नीचे, और ये आपका है 3 0 ऊपर जाएगा, तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब आपका 6, 9, 3 और 00 डिवाइड बाय 8, 9, 4। जब आप भाग दोगे बच्चों इससे, तो 1 से तो जा नहीं सकता, 0 लग जाएगा, 8 7 56, 8 9 64 और 9 से गुणा ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से जाएगा, ये 7 7 से ही जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को भाग गुणा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अभी यहाँ पर सुपर फास्ट में हम नहीं करा सकते, इतना लंबा भाग 5 मिनट लगेगा, इससे एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता है बच्चों, सुपर फास्ट करेंगे इसमें, ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर देखो आप, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अर्धायुकाल निकालना है। तो यहाँ पर पहले टी बराबर दिया है कितना, 40 मिनट, ये तो पहला कंडीशन है, टी बराबर कितना है 40 मिनट। फिर आपका कितना परसेंट पूर्ण हो जाता है बच्चों, मतलब ए बराबर आपका यदि ए नॉट बराबर यदि आपका 100 है, ठीक है, तो आप ए बराबर कह सकते हो कि सर 100 में 90 घटा देंगे तो मतलब आपका 10 आ जाएगा, ठीक। अर्धायुकाल निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, के का मान निकालना पड़ेगा, इसका मान है 2.303 अपान टी, लॉग हो जाता है बच्चों ए नॉट अपान ए हो जाता है, ठीक है, सुपर फास्ट है भाई, थोड़ा सा देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे, 2.303 अपान टी का मान है 40, लॉग 100 में अपान 10 का भाग देंगे तो बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पर के बराबर 2.303 अपान टी, ठीक है, यहाँ पर लॉग 10 होगा, लॉग 10 का मान 1 हो जाता है, तो टी का मान 40 सही है, 40 रख दो, 2.303 अपान 40 और इसका मान 1 हो गया, इसका भाग दे दो बच्चों, भाग दे दो। जब देखिएगा भाग देंगे तो सबसे पहले 0 का भाग देंगे, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.2303 अपान 4, आप भाग न पहुँचे लब्ध सुन, इसलिए दशमलव के बाद भी 0 लग जाएगा, फिर 4 4 5 20 फिर 30, तो 4 7 28 4 7 28 28 2 बचेगा, तो फिर 4 5 20 फिर 4 7 28, ये आ गया आपका। अब मैंने कहा दशमलव मान लीजिए एक अंक के बाद ही लगाना है, कभी भी कोई भी आपका नंबर हो तो ऐसे ही लगाना है, दशमलव आपका एक अंक के बाद जो आंसर आता है, तो आप ऐसा किए तो दशमलव 2 अंक खिसकाए, मतलब 10^-2 करा भाई, 100 का भाग देंगे तभी तो ये खिसकेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 100 को नीचे ले गया, 100 को गुणा किया, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक, ये हमारा कंडीशन हुआ। अभी मुझे क्या निकालना था, टी हाफ। टी हाफ का फार्मूला है, टी हाफ बराबर कितना है आपने पढ़ा था, 0.693 अपान के, सही है, 0.693 अपान के का मान है 5.575 गुणे 10^-2। अब देखो दशमलव हटाने का तात्पर्य है 6, 9, 3 ऊपर सीधा रख दो, नीचे 5, 5, 7, 5 सीधा रख दो, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो खत्म कहानी। यदि कहते तो 3 0 ऊपर गुणा करता, 3 0 नीचे गुणा करता और 10^-2 ऊपर जाता, इससे कट जाता, कितना बचता, 6, 9, 3 2 0 और बढ़ा दो, भाग करो 5, 5, 7, 5, तो एकम से जाएगा, सीधा है, एकम से ही जाएगा, ठीक है, और एक कम से 5 2 10, ठीक, तो बचेगा 19 लगभग, तो लगभग 2 से जाएगा, आगे भाग दोगे तो 0 3 मिनट, ठीक है, ये आ गया। भाग देने की कला आप लोगों के पास होना चाहिए, बिना भाग दिए काम नहीं हो सकता, इसलिए भाग देना सीख जाओ, नहीं है तो भाई पेपर के पहले सीख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, टाइप वही है, थोड़ा सा प्रूव करना है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है, कितना खतरनाक है। हल करते समय सबसे पहले देखो भाई कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, उसके अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। सबसे पहली बात तो प्रारंभिक सांद्रण कितनी होगी, सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर ए नॉट बराबर यदि मैं आपसे 0 कहूँ तो
ए नॉट मतलब 100, तो आप ए बराबर कहोगे सर कि 100 में से 99.9 घटा दो, मतलब इसका आएगा 0.1%। लो ये कंडीशन है। इसके अलावा टाइम भी तो दिया नहीं है, टाइम तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है। के बराबर आप लगाओ 2.303 अपान कितना होता है, टी होता है, लॉग होता है ए नॉट अपान ए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर के बराबर आ जाएगा 2.303 अपान टी, लॉग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। देखो दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 2.303 अपान टी लॉग हो जाएगा बच्चों 10^3 कर दो या 1000 कर दो, ठीक है। तो के बराबर आ गया 2.303 अपान टी लॉग 10^3, 3 सामने आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, तो 2.303 अपान के लॉग एम के पावर एन होता है तो एन सामने आता है, तो 3 लॉग यहां पर हो जाएगा 10, 3 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का मान 1 होता है, तो के बराबर 2.303 अपान टी और बच्चों यहां पे इंटू 3 और लॉग 10 का मान 1 हो गया, ठीक है। या इसको इधर ले जाए तो टी बराबर हो गया 2.303 इंटू 3 है ना, इंटू 3 अपान आपका के, या इसका गुणा कर दें 3 त्रिकाई 9 3 × 6 बटा के, इसको समीकरण 1 दे दो। और चूंकि अर्ध आयुकाल के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपान के, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से टी अपान टी हाफ करो तो टी का मान कितना है 6.909 अपान के, इधर आए 0.693 अपान के, के से के कट गया बच्चों, दशमलव से दशमलव हटा दो तो बचेगा 6909 अपान 693। देखो लगभग ये इसके 10 गुना है, लगभग आपके ये 10 गुना है, टी अपान टी हाफ बराबर 10, तो यहाँ पर आ गया टी इक्वल 10 गुणे टी हाफ, यही तो सिद्ध करना था, अर्धायुकाल का 10 गुना है। अब क्रिया को जो पूर्ण होने में जो समय लगा वो अर्धायुकाल का 10 गुना है, ठीक है। कुल मिला के इतना पूर्ण होने में 99.9% पूर्ण होने में भाई जो अर्धायुकाल आपका 10 गुना समय लगता है। तो एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक आप करते जाते हैं आंसर आसानी से आ जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कोई कितना आसान क्वेश्चन क्यों ना दे दे। अगला प्रश्न बच्चों सिमिलर है, देखिए प्रथम कोटि, अब क्रिया का अर्धायुकाल 15 मिनट है, चलिए हल करते हैं चलते हैं जहां की देख रखा है अर्धायुकाल, तो पहले चूंकि प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल लगा लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मतलब टी हाफ बराबर दिया है कितना 15 मिनट, मतलब यहाँ से मैं यदि अब टी हाफ बराबर कहूँ तो अब आपको तो याद हो गया होगा 693 अपान सर के, है ना, मतलब के बराबर यदि मैं यहाँ से कहूँ के बराबर बताओ तो के बराबर आप कहोगे 0.693 अपान टी हाफ, यही होगा, तो के बराबर आ जाएगा 0.693 अपान 15, 15 कर दो बस, ठीक है। आगे क्या बोला है, इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करनी है। ए बराबर सबको पता है 100 मानेंगे, तो ए नॉट है स्टार्टिंग का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90% पूर्ण होने में, तो बचा कितना 100 में आप 90 घटा दो 10 बचा, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा समझना है कि यहां से वैल्यू क्या पुट कर दें, तो भाई आप प्रथम कोटि लगाओगे तो 2.303 अपान टी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और लॉग हो जाएगा ए नॉट अपान ए। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, क्योंकि टी निकालना है तो 2.303 अपान के लॉग 100 अपान 10 ये कट जाएगा, ठीक। फिर 2.303 के का मान कितना है, ये आपका दिया है 0.693 अपान 15 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1 होता है,
15 ऊपर जा चला जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय 0.693 इंटू 15, बताओ कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा इसका। 15 का गुणा कर दें इससे, है ना, 15 तिया 45 की 5, ये 4 हो जाएगा, 15 तिया 45 की 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 4 34 डिवाइड बाय 693, दशमलव से दशमलव हटा दो, मतलब 34 5 4 5 और 5 6 9 3, भाग करो 6 का, भाग ना पहुँचे लब्ध 4 अंक से जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, मतलब 7 है, 7 चौक 28 चला जाएगा भाग, तो लगभग लगभग जब इसको आप भाग करोगे बच्चों तो 49 लगभग आएगा 8:03, ये आपका समय आ गया, लगभग बोला है ना, लगभग, ठीक है, ये लगभग आएगा। आप कहोगे सर ये भाग ही तो नहीं बनता है, और जब भाग ही नहीं बनता है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है, भाग नहीं बनेगा तो खत्म, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे कि गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी रहेगी, गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी, गुणा भाग आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो, आप लोगों के लिए है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपका 60 सेकेंड इनवर्स है, मतलब यहाँ पर है ना k का मान दे के रखा है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा। देखो बोला क्या है, हल करते समय k का मान दिया है, किसका मान दिया है, k का मान दिया है बच्चों 60 सेकेंड इनवर्स है, ठीक, और बोला यदि प्रारंभिक सांद्रण जो आपका है वो 1 है, कितना है 1, तो जो शेष रह जाता है वो 1/16 भाग है, ठीक, तो k बराबर आपका होता है 2.303/T log a नॉट अपान a, तो t बराबर हो जाएगा 2.303/K log a नॉट अपान a, वैल्यू पुट करो t बराबर 2.303, k का मान कितना है, k का मान है 60, k का मान दिया है ना, तो यहां पर मैं 60 कर दूं, ठीक, log 1/1/16 ये ऊपर चला जाएगा, 2.303/60 log ये 16 बचेगा, t 2.303/60 log 2^4 ये आएगा ना, फिर जब बच्चों log m के पावर n क्या हो सामने आ जाता है, 2.303/60 इंटू 4 log 2। अब थोड़ा देखिएगा, यहां पर आपका 2.303 इंटू 4 log 2 का मान होता है 0.3010/60, गुणा करोगे बच्चों लगभग, तो देखो यदि आप गुणा कर दो 2.303 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 12, मतलब 1.2 ऐसा करके आएगा 60, अब 12 × 2 = 24, तो लगभग इसका गुणा करोगे 2.77 आएगा, फिर 60 का भाग दे देना बच्चों तो 0.046 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, इसका गुणा करना, मैंने गुणा करना भी सिखा दिया, 12 का इससे गुणा करते रहना, दशमलव लगाते रहना, फिर 60 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।